तुम बहुत देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मैं डाकिये की राह देख रही हूँ। वह भाई साहब का पीले रंग का पत्र लाएगा। बेटा, उसे पोस्ट कार्ड कहते हैं। इसके अलावा अंतरदेशीय पत्र भी लिखे जाते हैं। पापा, भाई साहब तो मुंबई में रहते हैं, तो क्या डाकिया साइकिल चलाकर सीधे वहीं से पत्र लेकर आता है? नहीं बेटा, आपके भाई पत्र को पत्र पेटी में डालते हैं और फिर उसे डाक कार्यालय का कर्मचारी एक निश्चित समय पर वहाँ से ले जाता है। वहाँ से डाक फिर उस क्षेत्र के डाक घर में और फिर मुख्य डाक घर में जाती है। शहरों के अनुसार सब डाक को अलग अलग किया जाता है और फिर ट्रेन से अहमदाबाद के मुख्य डाक घर में भेजी जाती है। वहाँ से डाक अपने क्षेत्र के डाक घर में आती है। डाकिया हमारा पता पढ़कर पत्र हमारे घर दे जाता है। अरे वाह, हमारे पत्र को लाने के लिए कितने लोग काम करते हैं। टपाली, देखो डाकिया आ गया। पापा, जल्दी पढ़ो, अंकित भाई ने क्या लिखा है। दिनांक 6/5/2011, मुंबई। पूज्य पापा व मम्मी जी, आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे। मैं भी यहाँ आनंद से हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। इस वर्ष से मेरी शाला में कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ होगी। मुझे यह सीखना है और इसके लिए मुझे 100 रुपए फीस के भरने होंगे, इसलिए आप इस बार मुझे 100 रुपए अधिक भेजना। टीना को मेरी याद कहना और उसे कहना कि मैं उसे रोज याद करता हूँ। दिवाली की छुट्टियों में जब मैं घर आऊंगा तब मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। आप दोनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र अंकित। पता, श्री अशोक भाई देसाई, 6 शांति निवास, नूतन सोसाइटी, डीमा नगर, वडोदरा। पिन कोड 390006। पापा, मुझे भाई को पत्र का जवाब देना है। पोस्ट कार्ड कैसे लिखा जाता है, यह मुझे सिखाएंगे? ठीक है, सबसे पहले दिनांक व अपने गांव का नाम लिखना है। उसके बाद संबोधन लिखना है, जैसे कि प्रिय अंकित। पत्र यदि दादाजी को लिखा जा रहा है तो पूज्य दादाजी लिखें। इसके पश्चात आपको जो भी बातें कहनी है उन्हें लिखिए। मुझे मुंबई से एक गुड़िया चाहिए, वह लिखूं? बेटा, पहले जिन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं उनके समाचार पूछने चाहिए, उसके पश्चात ही अपना काम बताना चाहिए। सबके अंत में अपना नाम लिखना चाहिए। ठीक है, दिनांक 9/5/2011, वडोदरा। प्रिय भाई, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं भी आनंद पूर्वक हूँ। मेरी परीक्षाएं हो गई है, इसलिए मैं पूरे दिन खेलती हूँ। घर पर रहने के लिए आप जल्दी आए और मेरे लिए आप मुंबई से गुड़िया लाएंगे ना? आपकी प्यारी टीना। प्रिय अंकित, यह जानकर आनंद हुआ कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है। हमें विश्वास है कि तुम परीक्षा में निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यह बहुत अच्छा है कि तुम्हारी शाला में कंप्यूटर सिखाएंगे। मैं आज ही मनी ऑर्डर से तुम्हारी शाला में रुपए भेज रहा हूँ। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं और टीना भी तुम्हें बहुत याद करती है। उसने आज पहली बार पत्र लिखा है,
बहुत बहुत आशीर्वाद पापा मम्मी। वाह, पत्र लिख लिया गया। चलो इसे पत्र पेटी में डाल देते हैं। अरे पत्र क्या ऐसे ही पहुंच जाएगा, इस पर पता कौन लिखेगा? अरे हाँ, अंकित एन देसाई, हॉस्टल नंबर 6, शांताबेन देसाई, उच्चतर माध्यमिक शाला, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400069। अब तो मुझे पत्र लिखना आ गया है। टीना की तरह आपको भी पत्र लिखना आ गया है ना? आप भी घर जाकर पत्र लिखना।